सबसे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कैसे होता है इसके थोड़ा सा बताऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज में जो है अकाउंट ओपन होने के लिए आपका एक बिजनेस वेरीफाई होना चाहिए, आपकी इनकम प्रूफ, उसका हमें प्रूफ चाहिए होता है। देन बायोमेट्रिक के साथ आपका CNS और उसके अलावा नॉमिनी की कॉपी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान दाऊद गौरी और आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम जा रहे हैं लाहौर अपने यूनिवर्सिटी के स्टडी ट्रिप पे, तो आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं आप, किधर जा रहे हैं आप? सर लाहौर लेके जा। लाहौर किस जगह? स्टॉक एक्सचेंज में। क्या करेंगे उधर जाके? बातें सुनेंगे इनकी, कोई अपनी सुनेंगे। चले वापसी पे कोई शायद आपसे पूछेंगे, कोई बात समझ लगी आपको? जी सर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, चले ठीक है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको भी। हमने इधर सूखे की पे स्टे किया है और कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग दीगर लवाजमात नोट फरमा रहे हैं। हमारे हसन भाई जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का कीमती असासा तो नहीं कह सकते, लेकिन सीआर जरूर कह सकते हैं। थैंक यू हसन भाई। तो ये है जी उमेर सोई, जिनकी बदौलत हम सब बैठ के आए हैं, वरना तो शायद हम चल के भी आ सकते थे, खड़े होकर भी आ सकते थे, लेकिन आप लोगों से मेरी मोहब्बत है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। ये सारा क्रेडिट जाता है उमेर सोई को, और इन्होंने एफर्ट की हमारे लिए, और हमारे लिए इन्होंने एक्सटर्नल सीट्स जो है वो अरेंज की। ये आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं, इधर आओ रोशन। ये देखे, ये हमारा बड़ा खूबसूरत भाई है और ये बिल्कुल ड्रेस कोड के मुताबिक है। सर ने कहा था कि अगर आपने सलवार की पहनी है तो वेस्ट कोट लाजमी पहनेगा। यार रोशन एक बात बताऊं, आपकी सोटी किधर है? अच्छा चले, अल्लाह हमारे पिंड के चौधरी है। गूगल पे जनाब वाइस कर रहा था पंचायत मुकाने का तरीका। पंचायत मुकाने का तरीका। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है मेरी बिल्कुल इस हाथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि लाहौर में है, और ये बड़ी खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है। ये मेरे ख्याल से कोई यूनिवर्सिटी है, देखते हैं कोई साइन बोर्ड वगैरह। अभी आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लेके जाएंगे और आपके साथ बहुत कीमती बातें शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और खासकर जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी वीडियो है।
अभी थोड़ी देर के बाद सेशन स्टार्ट होगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। प्रेजेंटेशन के बाद इंशाल्लाह देखते हैं हमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना। अच्छा, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? दो तीन बैग लेके आए। अच्छा, आप वो कवालों के साथ होते हैं, दो तीन बैग ले। अच्छा चले, वेरी गुड यार। ये देखें, ये हमारे उमेर हैं भाई, ये आखिर समझ लेते हैं, आ चुके हैं सारे लोग। उसके बाद के बिजनेस ऑपरेशंस को देखा स्टॉक मार्केट, एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वॉज एज अ चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाई SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेन इंटीग्रेशन अफर बैक इन 2016 Jan 10, 2016 में, जब तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस इंटीग्रेट हो गए और बिकम अ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो इस वक्त तो ओनली स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। एंड क्यों सिक्योरिटी की डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रही है, और जो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है पीछे कंपनी की जो रियल टाइम कोई अनाउंसमेंट आई, क्योंकि कंपनी इज बाउंड टू डिस्क्लोज एवरी मटीरियल इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस। कोई बोर्ड ने कोई चीज डिस्कस की, कोई प्लान बनाया, कुछ अप्रूव किया, बोर्ड मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, AGM हो रही है, वो सारा डाटा रियल टाइम इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, रेगुलेटर्स को डिसेमिनेट किया जाता है रियल टाइम बेसिस। सबसे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कैसे होता है इसके थोड़ा सा बताऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज में जो है अकाउंट ओपन होने के लिए आपका एक बिजनेस वेरीफाई होना चाहिए, आपकी इनकम प्रूफ, उसका हमें प्रूफ चाहिए होता है, देन बायोमेट्रिक के साथ आपका CNS, और उसके अलावा नॉमिनी की प्रॉफिट देते हैं, इतने आपको प्रॉफिट होगा, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में जो होना है इसकी स्टूडेंट को जानने के लिए इसलिए जरूरी होता है कि स्टूडेंट के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस कोई भी नहीं, और स्टूडेंट जो है वो बैलेंस शीट इसी चेक करता है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, उसके लिए ये किसी लिए जरूरी है, क्योंकि हम देखें दूसरी ऐप पे वो फलाना आ गया, ये आ गया, यार ये ऐप बड़ी अच्छी है, लेकिन उस पर OTP नहीं आएगा बिल्कुल, और जिस भी NFT है और जैसे क्रिप्टो है, ये वो जितने भी है सेम जो भी काम कर रहे हैं आजकल नौजवानों से, 20,000, 25,000, 30,000 हाथ नौजवान से वो कर रही है, वो आपको धोखा देते हैं, आज आपको पांच बच्चे हैं, वो सब फेक है, ओपन ये नंबर है, ये अपना टेलीफोन नंबर मैंने कार्ड दिए हैं, कोई भी बंदा रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, और आपका जो इनकम प्रूफ है वो आपका वालदेन की तरफ से होगा, ठीक है, और आप जॉब क्या है तो जॉब का लेकर कुछ और है, अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स कम हो जाएगा, अगर फाइलर ज्यादा है, फाइलर है तो टैक्स कम हो जाएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट खास शुरू तो कम हो जाएगा। जा रहा हूँ सर, अगर पेरेंट्स का NTN नंबर है जैसे वो बता रहे हैं कि उनका इनकम प्रूफ देना है, तो हम उनका NTN नंबर देंगे अकाउंट उनका नहीं, मुझे आपका चाहिए, अब वो आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ जी ये मेरी मसले के मैंने ओपन होगा, अर्निंग सोर्स पता चल जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जी उधर से कुछ फायदा भी हुआ है, कुछ सीखा? ब्रोकर से मिले आप, चीफ से मिले हैं जी, जो उम्मीद तो है अब आगे, चीफ हेड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लाहौर है। एक और दो ये पानी वाले भाई आ गए हैं, एक और दो। देखे इंसान ने मेहनत करनी हो तो वो किसी हालत में भी कर सकता है, देखे वो सफेद कॉटन का सूट पहन कर और मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आके आपके कारोबार में घर के डाले, मुझे खुशी हुई है। देखे मेरी बात सुनो भाई,
अगर इस तरह के लोग आपको इस तरह के लोग सड़क पे छोटे मोटे कारोबार करते हैं मदद करती है उनसे लाजमी खरीदा करें। जी जी बिल्कुल बहुत आई अप्रिशिएट यू, मुझे बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम रवाना होने लगे हैं सिटी कैंपस के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सिटी कैंपस इन लाहौर। मेन कैंपस नहीं जाएंगे हम, समझ रहे बात। तो ये बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपके लिए भी मेरा ये ठीक है, ये दुआ तो करें कि आपको उसे इंशाल्लाह वहां पे फाइल करके क्लिक करा दें, इंशाल्लाह जरूर करवाइएगा सर। दूसरी ये तीन लोग आ रहे हैं ये कोई खतरनाक लोग नहीं, दे आर होल्डिंग यूनिवर्सिटी का जो 700-800 स्टूडेंट यहाँ पे है उसने एक लाइट ऑफ द कॉलेज एक सोसाइटी है उसमें ये लोग एड करते हैं प्रेजिडेंट है मुझे आउट साइड थोड़ी सी इन्वायरमेंट से खराब होने की चांस है खबर आप लोगों को मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अभी कैश आउट किए आप लोग इनके साथ ऊपर गपशप लगाए और इन लोगों से जो गपशप आप लगाएंगे उसमें आप लोग इनके साथ एक लाइसनिंग ऐसी क्रिएट करें कि जैसे हम इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान कर रहे थे इन्होंने तुर्की का और नरखा का गोलिका किया इसी तरह स्टडी अब्रोड के लिए आपको कोई बंदा बाहर जाना चाहता है तो ये सामान साहब आपको पेशा दे सकते हैं। ये भी अभी आपके पास है क्वेश्चन तो आप लोग इनको ऊपर कर सकते हैं ताकि आपको ऊपर टाइम थोड़ा सा सेव करें। और आप अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए ये मैंने ली पहली बाइट नॉर्मल ही है ये बेबी मैंने टेस्ट किया लेकिन इसका भी टेस्ट नॉर्मल ही है ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए किया है चाय के लिए तो ये उनका बहुत अच्छा है हम उनके शुक्रगुजार हैं। रेस्ट एरिया में स्टे किया तो सुबह का नाश्ता करके सब निकले थे दो मर्तबा चाय तो पी है लेकिन खाना नहीं खाया तो अभी सब लोग कुछ फास्ट फूड खा रहे हैं कुछ देसी फूड तो आए हम भी कुछ ना कुछ खाते हैं। जी तो हमने ये मियाँ जी रेस्टोरेंट से बिरयानी ऑर्डर की थी, बिरयानी खाई है लेकिन मज़ा नहीं आया। शायद आप खाएं तो आपको आ सके लेकिन सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी और भी ऑप्शंस हैं इधर, आप जब आएँ सुखे की तो आप ट्राई कर सकते हैं, लिहाजा इनका और कोई खाना ट्राई कर सकते हैं लेकिन बिरयानी ना कीजिएगा, वेस्टेज ऑफ मनी। गाड़ी हमारी तैयार है निकलने के लिए, अभी बच्चे आ रहे हैं और अभी हम विद इन 10 मिनट्स अभी निकल जाएंगे सरगोधा के लिए। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí.